हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हैं, जहाँ पे करंडा ब्लॉक और जमानिया ब्लॉक के बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं। और आप देख सकते हैं कि धर्मपुर टू जमानिया जो मार्ग है जिसपे लोग आ जा रहे हैं, आप देखेंगे कि दोनों तरफ जलमग्न स्थिति बनी हुई है। आप समझ सकते हैं सिर्फ सड़क से मात्र 6 इंच नीचे जो है पानी रह गया है। अभी आज ये सड़क चल रही है, बट जिस हिसाब से रफ्तार गंगा नदी की बढ़ रही है, उस स्थिति में हमको लगता है कि आज रात में ये सड़क जो है डूब जाएगी। और आप देख सकते हैं, हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, देखें कि क्या स्थिति है। गंगा नदी के पानी का दबाव इतना बढ़ रहा है कि सड़क के पश्चिमी सिरे पर भी फसलें जलमग्न हो गई हैं। लोग सड़कों पे जलमग्न की स्थिति देखने के लिए आ रहे हैं। बाढ़ का नज़ारा इतना भयावह है, गंगा नदी इतनी बढ़ रही है तेज़ी के साथ कि शायद आने वाले कुछ घंटों में स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है और ये रोड बंद भी हो सकता है। आप देखें कि किस प्रकार से एक तरफ गंगा के प्रवाह का पानी अपने आगोश में लेते हुए सड़क के किनारे इतनी तेज़ गति से बाईपास पुलिया के द्वारा जो है ये पानी दूसरे तरफ जा रहा है कि शायद अगर बीच में कोई पड़े तो उसको भी बहा दे। गंगा का प्रवाह इस कदर बढ़ रहा है कि जानवर और ग्रामीणों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। ग्रामीण अपने पशु को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, गंगा का रौद्र रूप। और ऐसे में जब अचानक पानी बढ़ जाए तो सुरक्षित स्थानों पे जाने की ज़रूरत है। ग्रामीण अपने को लेके सुरक्षित स्थान पे जाते हुए